सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। पवित्र बाइबल हमें बताती है कि प्रभु की कृपा हर दिन नई हो जाती है। नबी सफन्या के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि प्रभु हमारी चिंता करता है और वो अपनी प्रजा से ये वादा करता है कि जहां जहां तुम्हें अपमानित होना पड़ा है मैं वहां तुम्हें इज्जत दिलाऊंगा। तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। तुम मेरा घर बनाओ और मैं तुम्हारा घर बनाऊंगा। आज के इस पवित्र दिन में प्यारे भाइयों और बहनों, ये समय है प्रभु की स्तुति करने का और महिमा करने का। प्रातः में अभी अभी आप अपने शयन कक्ष में से बाहर आए हैं और आप स्वस्थ होकर अपने आप को शुद्ध करके प्रभु की हुजूरी में हाजिर हैं। मेरे साथ जितने भी लोग इस वक्त ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़ रहे हैं, प्रभु आपको ताजगी प्रदान करे, रूह का ताज़ा अभिषेक प्रदान करे। बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस वक्त मेरे साथ मिलकर इस गीत को गाएं, प्रभु की महिमा करें। प्रातः का ये समय प्रभु की स्तुति और प्रशंसा करने का समय है। पूरे दिन के लिए ऊर्जा को संचित करने का ये समय है। आइए हम राजाओं के राजा प्रभु की स्तुति करें। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। जीवन देने वाला 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 यीशु, हालेलुया। मुक्ति देने वाला यीशु, हालेलुया। मुक्ति देने वाला यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। करने वाला यीशु, हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु, हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु, हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु, हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु, हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। जल्दी आने वाला 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 यीशु, हालेलुया। न्याय करने वाला यीशु, हालेलुया। न्याय करने वाला यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। शांति देने वाला 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 यीशु, हालेलुया। शक्ति देने वाला यीशु, हालेलुया।
यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, हालेलुया हालेलुया 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 हालेलुया। समर्पित करें प्यारे भाई प्यारी बहन अपने आप को, यह पवित्र समय है उसकी हुजूरी में इस वक्त हम खड़े हैं और वो परमेश्वर हमें आशीष प्रदान करे। इस वक्त मैं और आप उसकी हुजूरी में हैं, उसका आत्मा उसका सानिध्य हमें घेरे हुए हैं। एक एक व्यक्ति अपने घर में इस वक्त प्रार्थना करे। प्रातः की बेला में हो सकता है आप में से कुछ लोग निराश हैं, उदास हैं, आर्थिक तंगियों के कारण परेशान हैं, कुछ विद्यालय की ओर प्रस्थान करने वाले हैं, तो कुछ अपने दफ्तर जाने वाले हैं, तो कुछ अपनी नौकरी पर वापस लौटने वाले हैं। पवित्र समय है, पूरे घर में प्रभु का आशीर्वाद उतरे और आपको ब्लेस करे, उसकी आत्मा आपके ऊपर कब्जा करे। बोले आमेन, आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे परिवार पर, मेरे परिवार पर, मेरे जीवन पर, मेरे जीवन पर, मेरे कामकाज पर, मेरे कामकाज पर दया कीजिए, दया कीजिए। मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपकी आराधना, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ। आज के इस नए दिन में मैं विश्वास करता हूँ, विश्वास करता हूं, आप मेरी अगुवाई कर रहे हैं, आप मेरी अगुवाई कर रहे हैं। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं, मैं अंगीकार करता हूं, मैं अंगीकार करता हूं, आप मेरे चरवाहे हैं, आप मेरे चरवाहे हैं, आप मुझे नवजीवन के पास, नवजीवन के पास, जल स्रोत के पास, जल स्रोत के पास ले चलते हैं, ले चलते हैं, और मुझमें नवजीवन का संचार करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, आप मेरा प्याला लबालब भर देते हैं, आपकी लाठी और आपके सोटे पर मुझे भरोसा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मेरी अगुवाई कीजिए, मुझे आशीष दीजिए, जिससे कि मैं आपके चरणों में उपस्थित होकर आपकी आराधना कर सकूं, आपकी महिमा गा सकूं, जय जयकार कर सकूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। Jimmy.
का वचन कहता है चिंता मत करो। हो सकता है कि आप में से आज बहुत से लोग चिंता में होंगे, गाड़ी की इंस्टॉलमेंट कैसे दी जाएगी, जो कर्ज लिया है उसे कहां से भरा जाएगा, आज तो मेरे पास काम भी नहीं। हो सकता है कि आपके आज कुछ बहुत महत्वपूर्ण काम होने थे लेकिन उनको करने का रास्ता आपके पास कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 6 पद संख्या 31 और 32 यदि आप पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु ने कहा, इसलिए यह कहते हुए चिंता मत करो कि हम क्या खाएं, क्या पिए और क्या पहने। इसलिए तुम ये कहते हुए चिंता ना करो कि हम क्या खाएं, क्या पिए और क्या पहने। इन सब बातों की और चीजों की खोज में गैर यहूदी लगे रहते हैं। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब चीजों की जरूरत है। आज का ये वचन आपका मार्ग प्रशस्त करे,
कि आप विश्वास करने वालों का परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर ये जानता है कि आपको किस चीज की आवश्यकता है। इसलिए चिंता करके अपने को तंग ना करें। बाइबल कहती है उदासी के शिकार ना बने। अपनी बीमारी में पुत्र लापरवाह मत बनो। जो बीमार है, दुख में है, कष्ट में है, पीड़ा में, तो लापरवाह मत बने। आप प्रार्थना करें प्रभु से और उसके वचन के द्वारा सामर्थ्य ग्रहण करें। अगले वचनों में यदि आप पढ़ेंगे मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 33 और उससे आगे कि तुम सबसे पहले ईश्वर और उसके राज्य की खोज करो, उसकी धार्मिकता की खोज करो, बाकी की चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे, हालेलुया, 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 यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ आप दयावान हैं, आप दया के सागर हैं, आशीष प्रदान करने वाले हैं। हे प्रभु यीशु, आज आपके वचन के द्वारा, आज आपके वचन के द्वारा मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप जो मुझे सुन रहे हैं, एक एक वचन को आप ग्रहण करना, स्वीकार करना, ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करना, आज उसके नाम पर एक ऐसा काम करना जो प्रभु को प्रिय है। कौन सा काम उसे प्रिय है? जब आप अपने रास्ते में नौकरी के लिए जा रहे हैं या घर लौट रहे हैं, या आप बहुत बड़े जरूरी काम से जा रहे हैं, तो रास्ते में यदि कोई व्यक्ति जरूरतमंद मिले तो उसकी सहायता करना। क्योंकि बाइबल ये कहती, यीशु ने कहा, यदि कोई मेरे नाम पर इन छोटे से छोटे लोगों को एक ग्लास ठंडा पानी भी पिला देता है तो वह मेरे लिए करता है। इन नन्नों में से एक को भी यदि वो ठंडा ग्लास पानी पिलाता है तो वो काम मेरे लिए करता है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, हर वो दुख जो यीशु के लिए सहा गया है, हर वो सैक्रिफाइस जो परमेश्वर के नाम पर हुआ है, उसका पुरस्कार आपको अवश्य मिलेगा। ये बाइबल वादा करती है। इसलिए स्तोत्रकार ये लिखता है अध्याय 112 पद संख्या 9, साम नंबर 112 वर्स 9, वह उदारता पूर्वक दरिद्रों को दान देता है, उसकी न्यायप्रियता सदा बनी रहती है, वह सम्मान पूर्वक अपना सिर ऊंचा करता है। बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया, 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 यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्रकार कहता है, वह उदारता पूर्वक, उदारता पूर्वक दरिद्रों को दान देता है, दरिद्रों को दान देता है, उसकी न्यायप्रियता सदा बनी रहती है, वह सम्मान पूर्वक, सम्मान पूर्वक अपना सिर ऊंचा करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज के इस पवित्र दिन में आपका और मेरा एक ही नारा होना चाहिए, प्रभु मेरा सहारा है, प्रभु मेरा गढ़ है, प्रभु मेरा चरवाहा है। वो मुझे अंधकार की घाटियों में जब हम जाते हैं उस वक्त हमारा मार्ग प्रशस्त करता है, वो हमारा प्याला लबालब भरता है, हमारे देखते ही देखते खाने की मेज सजाता है, हमारे सिर पर तेल का विलेपन करता है। हो सकता आप में से कुछ लोग आज निराश होंगे, चिंता में हैं, दुख में हैं, परेशानी में हैं, चिंता न करें। बाइबल कहती है ऐसी बातों की चिंता में तो गैर यहूदी लगे रहते हैं। तुम जो मेरे अपने हो, जिन्हें मैंने चुना, तुम जो जिनका नाम मैंने अपनी हथेली पर गढ़ा है, तुम्हारे नामों को मैंने अपनी हथेली पर अंकित किया है, तुम्हारी हड्डियों को मैंने बढ़ते हुए देखा। हे इज़राइल, जब तू बालक था, हे यूदा, जब तू बालक था, मैंने तुझे मिश्र से पुत्र कहकर बुलाया है। अब तू क्यों चिंता करता है? मैं तेरी चिंता करता हूँ। प्यारे भाई बहन, आज प्रार्थना करना अपने परिवार के साथ मिलकर। मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे लोग इस वक्त बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ अपने निवेदन प्रभु को समर्पित कर रहे हैं। मांगिए, मिलेगा, खटखटाइए, खोला जाएगा, ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा, आपके सारे काम आज पूरे होंगे। कुछ माता पिता अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो कुछ अपनी धन संपत्ति पर आशीर्वाद के लिए, तो कुछ अपने खेत खलियानों में
आशीर्वाद के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आपने जैसा विश्वास किया है आपके जीवन में वैसा ही हो जाए, बोलिए आमेन। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रियजनों, उसका एक एक वादा सच्चा है, उसका एक एक वादा सच्चा है। वो अपने नबियों के साथ था, आत्मा के द्वारा उनकी अगुवाई करता था। आज ये वचन आपके लिए है, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे स्वस्थ करूँगा, मैं तेरी जरूरतों को पूरा करूँगा, तू मुझ में रह और मैं तुझ में रहूँगा। आइए हम प्रार्थना करें, इस वक्त प्रभु हमारे साथ रहे और आशीष प्रदान करे। Be
भाई प्यारी बहन, मलाकी का ग्रंथ अध्याय 3:10 और उससे आगे प्रभु का वचन ये कहता है, मैं परमेश्वर कभी नहीं बदलता, तुम इसमें मुझे परख कर देख लो, तुम अपनी भेंटे मेरे मंदिर में लेकर आओ जिससे कि मेरे मंदिर में किसी चीज़ की कमी ना रहे, और देखो कि मैं अपने बादलों को आदेश दूंगा, वह तुम पर आशीष की वर्षा करेंगे। आज जितने भी लोग इस वक्त प्रार्थना कर रहे हैं, संतान का वरदान चाहते हैं, बीमारियों से चंगाई पाना चाहते हैं, बदरूहों से छुटकारा पाना चाहते हैं, मांगना इस वक्त हाथ खड़ा करके, प्यारे भाई प्यारी बहन, प्रभु का वादा है, मांगो और मिलेगा, खटखटाओ और खोला जाएगा, ढूंढो और तुम पाओगे, जो मांगता उसे दिया जाता, जो खटखटाता उसके लिए खोला जाता है, और जो ढूंढता है उसे मिल जाता है। मांगना ऐसे यूं ही नहीं, परंतु आग्रह के साथ मांगना, ask earnestly, pray earnestly, आग्रह के साथ प्रार्थना करना। याद करना, जब पेत्रुस प्यारे भाइयों और बहनों बंदीगृह में था, कलीसिया आग्रह के साथ प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर उसे वहां से रिहा कराया, पौलुस और सीलस की बेड़ियों को परमेश्वर ने खोल दिया जब सारी कलीसिया उनके लिए प्रार्थना कर रही थी। आपका एक एक बंधन, एक एक बीमारी, उसे टूटना होगा, उसे आपकी जिंदगी से जाना होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन मुझे और आपको प्यारे भाइयों और बहनों ये सांत्वना देता, हिम्मत देता, आशीष प्रदान करता है। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा इसी वचन के साथ, अधिकार लेते हुए, मैं तेरे साथ हूँ, मेरी बातों पर ध्यान लगा, मैं तेरा रखवाला हूँ, मैं तेरा चरवाहा हूँ, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, तू ये ना सोचना कि मैं तुझसे दूर हूँ, मैं तो तेरे साथ हूँ। एक एक व्यक्ति प्रार्थना करे मेरे साथ इस वक्त, मन ही मन प्रार्थना करना प्यारे भाई प्यारी बहन, परमेश्वर आपको आशीष और रूह का ताजा अभिषेक प्रदान करे। हम प्रार्थना करें, सर्वशक्तिमान शाश्वत दयालु पिता ईश्वर, तेरे पवित्र सामर्थ्य लहू से अपनी इस प्रजा को आशीष प्रदान कर। तेरा वादा है, जब तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारी पुकार सुनूंगा और तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। अपनी इस प्रजा को अपने अधिकार मिले और इनके घरों परिवारों में आशीष और रूह का ताजा अभिषेक प्रदान कर। हे प्रभु, जो लोग अपने काम पर जाने वाले हैं, अपने दफ्तरों की ओर प्रस्थान करने वाले हैं, इनको सुरक्षा प्रदान कर, मार्गों में आते जाते समय संरक्षण दे, इनके घरों को संरक्षण दे, इनके जीवन पर तेरा आशीर्वाद उतरे। तू दयावान, दया का सागर है, दया करने वाला है, चंगा करने वाला परमेश्वर है, जैसा इन्होंने विश्वास किया इनके जीवन में पूरा हो जाए। हे प्रभु यीशु, मैं तेरे पाक और पवित्र सामर्थ्य लहू को तेरी इस प्रजा पर छिड़क देता हूँ, इनकी अगुवाई कर, इन्हें आशीष प्रदान कर और अपनी महिमा में इन्हें इस्तेमाल करने की कृपा कर। मेरी प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा।